ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आईटीवी हिंदुस्तान के खास प्रोग्राम जनजन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप आईटीवी हिंदुस्तान को पसंद कर रहे हैं और जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। हम आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि परसों ही हमने एक विषय पे चर्चा की और उस विषय को संज्ञान में लिया गया। अब संज्ञान में लेते हुए बड़ी बात सामने आई है। विषय था एक विधायक के द्वारा एक महिला के ऊपर शोषण का, और उस मामले में परसों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक वक्तव्य जारी किया जाता है और उक्त विधायक को क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब यह मुद्दा प्रमुखता से मीडिया में आता है, स्पेशली हमारे चैनल पे आईटीवी हिंदुस्तान पे, परसों कांग्रेस भाजपा के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब अपनी बात मुखर होकर इस बात पे रखी, तो आज वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ये मानना पड़ा कि विधायक अगर गलत है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, दो दिन पहले बंसीधर भगत जी का बयान अभी हम दिखाएंगे आपको, उन्होंने विधायक महेश नेगी को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा किसी जांच की जरूरत नहीं है, विधायक ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज जब वही प्रकरण मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री के इस बात पे कहने के बाद कि कोई भी आदमी चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसकी जांच भी होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में आते हैं और मीडिया में आने के बाद क्लियर उनका कहना होता है कि विधायक ने अगर गलती की है और कहीं से गलत पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं उस विषय को। विषय है द्वाराघाट के विधायक महेश नेगी का। महेश नेगी की पत्नी सामने आती है और आने के बाद एक FIR कराती है एक महिला के ऊपर कि वह महिला उनको और उनके पति को ब्लैकमेल कर रही है। उनके उस FIR दर्ज होने के पहले उक्त महिला सामने आती है, अपना वीडियो जारी करती है और उस वीडियो में सीधे सीधे महेश नेगी पे आरोप लगाती है, और आरोप भी ऐसा कि यौन शोषण का आरोप। पिछले दो वर्षों से जबरदस्ती उस महिला के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। परसों तक हम लोग भी ये समझते थे कि न्याय दोनों के साथ होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर हुआ विधायक कहीं भी अपनी बात को रखने में ना समझता कह लीजिए, चाहे कहीं से यह कह लीजिए कि वह बात अपनी नहीं रख रहे हैं, इससे संदेह की सुई उनकी तरफ झुकती है और उसके बाद हर आदमी यह मानने को भी तैयार होता है कि निष्पक्ष मजबूत जांच होनी चाहिए। और आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्य प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी जी हैं। मथुरादत्त जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीवी हिंदुस्तान पे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के बड़े साबगोई से अपनी बात रखते हैं, ईमानदारी से भी कह लीजिए रखते हैं, थोड़ा गुस्से में तो आ जाते हैं लेकिन बातों को अपनी सफाई परस लोगों में है। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज मैं सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम भट्टी को इसलिए लूंगा क्योंकि आज इस विश्लेषण की जरूरत है कि उत्तराखंड जैसी जगह, देश का सबसे सुंदर जगह, हर आदमी पूरे देश में जब ईमानदारी की बात होती है तो उत्तराखंड से तुलना होती है, ईमानदार व्यक्ति की बात होती है तो उत्तराखंड ही सामने आता है। लेकिन यहाँ पे चाहे उज्जैनी प्रकरण ले लीजिए,
चाहे रुचि क्षेत्रीय प्रकरण ले लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित आरएसएस के संजय कुमार का प्रकरण ले लीजिए, इन प्रकरणों को देखा जाए, साथ में कद्दावर नेता एनडी तिवारी का प्रकरण ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की हरकतों ने इस प्रदेश का मान सम्मान गिराया है। सबसे पहले हम पुरुषोत्तम भट्ट जी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे साथ। मधुराधा जोशी जी के पास चलते हैं। मधुराधा जोशी जी, आज उस व्यक्ति की चर्चा होगी जिसको हम भाजपा ही नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस से उसने राजनीति शुरू की, कांग्रेस में उसने चुनाव लड़ा और आज जब उसके ऊपर आरोप लगा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केवल उस जांच की बात कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर यही खाटी भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो क्या कांग्रेस पार्टी केवल जांच की बात कह करके पीछे हट जाती? मधुराधा जोशी जी, देखिए संजय जी, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के हर नेता ने जांच के साथ साथ नेगी जी के ऊपर मुकदमा करने की बात भी कही थी और उसकी निष्पक्ष जांच करने की बात भी कही थी। ऐसा नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार की परिधि में रहते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है और उस बात का हम कोई अन्यथा अर्थ नहीं लगा सकते हैं। और निश्चित रूप से महेश नेगी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित है और इसलिए नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और जिस तरह के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मातृशक्ति को मजबूत करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन आप अगर हिंदुस्तान की पूरी राजनीति पर दृष्टिगोचर करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां पर अत्याचार बलात्कार हुए हैं या हत्याएं हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा हाथ रहा। चाहे उत्तर प्रदेश के सेंगर की बात कर लीजिए, कुलदीप सेंगर, और आज यहां पर इसकी बात करें, चाहे चिन्मयानंद जी की बात कर लीजिए या अन्य लोगों की बात कर लीजिए, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करें और जो भी कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को करें। और देखिए, दो दिन के अंदर अंदर बयान बदल रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ और कहा, एक दिन क्लीन चिट दे दें, दूसरे दिन कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जो बातें सामने आई हैं, विधायक को ये, हालांकि उनका अपना निजी मामला है, उनको निष्कासित करें न करें ये उनका मामला, लेकिन ये मामला जरूर बनता है। अगर राजनीतिक शुचिता की बात भाजपा करती है तो निश्चित रूप से विधायक जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह के लोगों से निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए और अपने राजनीतिक दामन को देखना चाहिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है और चूंकि सरकार भाजपा की है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठेगी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगेंगे। आपने कही कि चाहे कोई हो कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव वर्मा जी, अगर अन्य कोई व्यक्ति होता, अन्य कोई पार्टी का व्यक्ति होता, आम आदमी होता, तो सबसे पहले आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसके बाद जांच की बात करते। सत्तासीन एक विधायक, आप उसको ताकतवर विधायक भी कह सकते हैं, कि एक लाइन भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? इतना बड़ा संगीन आरोप लगा है कि एक महिला को, विवाहित महिला को 2 वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए संजय जी, माननीय विधायक महेश नेगी जी ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। काहे का माननी भाई? संजय जी, काहे का माननी? दुष्कर्म कर रहा है, माननी है वो? नहीं नहीं, विधायक तो विधायक है ना, अभी कोई दोष सिद्ध तो नहीं हो गया, कोई दोष तो नहीं सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक, अरे कोई दोष सिद्ध तो नहीं हो गया। ठीक है सर, बताइए। जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, अदालत भी किसी को आरोपी को आरोपी ही बोलती है, मुजरिम नहीं बोलती है। और ये विषय जांच का है, जांच चल रही है, जांच का जो भी नतीजा निकलेगा वे आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। जांच निष्पक्ष रूप से होगी, इसका भी मैं आपको पूरी तरह से भरोसा दिलाता हूं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मैं आपको पद पे बैठे हैं,
तो कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जाए? देखिए आपको भरोसा भी करना पड़ेगा और ये जीरो टॉलरेंस की हमारी माननीय त्रिवेंद्र जी की जीरो टॉलरेंस सरकार है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो छोटे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो। न्याय से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके साथ एक समान तरीके से लागू होता है। और जैसे कि अभी माननीय मथुराधर जोशी जी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कांग्रेस का अपना दामन भी कम दागदार नहीं है, उसके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय नेताओं, और मैं सोचता हूँ कई सारे ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, कई सारे जो मंत्री तक रह चुके हैं, जिसमें शशि थरूर जी भी हैं, और मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे कदावर नेता हैं। राजस्थान का भंवरी देवी हत्याकांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, आप उन सबको क्यों भूल जाते हैं? दिल्ली का मनु शर्मा कांड हुआ, जिसमें तंदूर में जला के और उसके ऊपर मक्खन डाल के आपने एक महिला को जलाया, आज आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ याद आ रही है? आपने आपने जब अपने दामन दागदार होते हैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। मैं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। और देखिए देखिए संजय जी मेरे को बात पूरी होने दीजिए पहले। अगर यदि हमारे ये जो विधायक हैं महेश नेगी जी, यदि इनके ऊपर दोष सिद्ध होता है, जांच का विषय है, जांच चल रही है, अगर कोई भी इनके ऊपर भी जांच में ये दोषी पाए जाते हैं, दोषी सिद्ध होते हैं, तो जो कार्यवाही न्यायोचित कार्यवाही है वो इनके ऊपर भी करी जाएगी और दंडात्मक कार्यवाही भी होगी, ऐसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बंसीधर भगत जी भी उन्होंने भी इस चीज का पूरी तरह से मीडिया को भी आश्वासन दिया। सही बात। मैं चलता हूँ पुरुषोत्तम भट्ट जी के पास। पुरुषोत्तम भट्ट जी, आज की तारीख में जब भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई आरोप लगता है तो वह कहते हैं कि कांग्रेस गंदी थी, कांग्रेस के लोग गंदे थे, कांग्रेस की सरकार गंदी थी, इंदिरा गांधी गंदी थी, नेहरू जी गंदे थे। तो क्या ये बताने से उनके लोग जो गलत काम कर रहे क्या वो दब जाता है या छिप जाता है या कमजोर हो जाता है? सर दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों पार्टियां जो है इनको बराबरी का यहाँ सत्ता का मौका मिला उत्तराखंड में, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों को शरण नाम की बची देवभूमि, जो पूरे विश्व में ये भूमि देवभूमि के नाम पे जानी जाती है, यहाँ क्या प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से देवता की नजर से देखा जाता है और प्रत्येक नारी को यह शक्ति के रूप में यहाँ देखा जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये मानेंगे चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, इन लोगों को हम लोग विधानसभा में इसलिए भेजते हैं कि ये एक ऐसा सशक्त कानून बनाए ताकि लोगों की सुरक्षा हो, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि वही कहते ना बाड़ी जो है मेड़ को खा रही है। तो ये हालत तो कहते इन लोगों के है, एक महिला से सामने आ रही है उसको जान का खतरा है, उसके उसको मालूम है कि वो पावरफुल लोगों के चुंगल में फंस चुकी है, और यही बात अगर एक आम इंसान की होती क्यों नहीं कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतर रहे, क्यों नहीं भाजपा के लोग जो पंडित दीनदयाल जी की बात करते हैं, जो हेडगावर जी की बात करते हैं, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान पुरुष इनके हुए, आडवाणी जी जैसे पे आरोप लगा तो उन्होंने पहले सबसे पहले अपना पद पर त्याग किया, उन्होंने कहा मैं पद तब लूंगा कि जब मैं दो निर्दोष शिक्षित होगा। तो क्यों नहीं है ये लोग तो बहुत ऊंची बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इनको तो कहते हैं कुछ तो आदर्श पे पेश करना चाहिए, कांग्रेस पे आरोप लगाना या कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगाना ये जो सिर्फ सत्ता का खेल है कि जो वही इसमें तो कहीं ना कहीं जो है जनता सड़कों पर उतरे, तुम लोग ठेकेदारी छोड़ दो ना, तुम दोनों पार्टियां जो है ठेकेदारी छोड़ दो, तुम दोनों पार्टी क्यों नहीं विधानसभा का घेराव करते, विधानसभा क्यों चुनी जा रही है? ऐसे लोगों को हम लोग विधानसभा में चुनेंगे कि जो वहां कानून बनाने की जगह मतलब कानून का ही कहते मकौल उड़ाएंगे। सही बात,
मथुरानंद जोशी जी, आप लोगों ने बात की है कि सख्त से सख्त जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। एक प्रश्न मेरा बनता है कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति विधायक हैं और ताकतवर ताकतवर पार्टी के हैं, सत्ता दल के हैं, उनको क्या पद पे रहते या पार्टी में रहते निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? देखिए बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। हम तो बार बार कह रहे हैं, हमने जांच की बात इसलिए कही है क्योंकि आरोप लगे हैं, दो तरफ से आरोप लगे हैं। देखिए एक तरफ महिला ने कहा कि मेरा शोषण हो रहा है और मेरे खिलाफ इतनी बातें इन्होंने कही हैं। उसके प्रत्युत्तर में माननीय विधायक जी की पत्नी ने कहा कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, और इसलिए हमने कहा पहले इसकी आप सरकार जांच कर ले, सरकार की तमाम एजेंसियां हैं। उसके बाद वो महिला खुल के ही सामने आ गई। उस महिला ने स्पष्ट रूप से कह दिया, पुलिस कप्तान के पास जाकर कह दिया, जो DIG रैंक पर बैठे अरुण मोहन जोशी के सामने कहा कि मेरे साथ 2 साल से लगातार मेरा यौन शोषण हो रहा है और इन इन जगहों पर हुआ। जब आपके सामने तथ्य मिल गए तो सरकार ने सबसे पहले तो विधायक जी को गिरफ्तार करना चाहिए था, उनके खिलाफ 376 मुकदमा करना चाहिए था। उसके बाद जो भी कार्रवाई होती वो कोर्ट तय करता या जांच एजेंसियां तय करती। मुझे लगता है कि सरकार किसी न किसी को बचाना चाह रही है, सरकार की मंशा में खोट है, सरकार की नियत में खोट है। आप उससे बड़ा प्रूफ क्या लाएंगे जब एक महिला बिल्कुल सामने आ गई, तो पर्दे के पीछे सी 2-3 दिन पहले तक, अब दो दिन से तो बिल्कुल सामने वो महिला आके बयान जार दे रही है और खुलेआम करी, मीडिया के सामने पूरी बातें कह दी। उसके बाद भी सरकार अगर बचा रही तो इसलिए सरकार की मंशा में सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार की नियत पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैंने इसलिए कहा, मैं संजीव वर्मा जी, मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी पर कोई चोट करूं, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। आप देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपने एक नाम जो शशि थरूर जी का लिया, ये संजय जी गवाह हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, उनकी गिनती वरिष्ठतम हिंदुस्तान के वरिष्ठतम पत्रकारों में संजय जी की गिनती होती है। शशि थरूर पर किसी महिला ने आरोप नहीं लगाया कि मेरा शोषण हुआ, वो उनकी पत्नी का मामला था, आत्महत्या का मामला था, ठीक है, वो मामला आया सामने, हमारी पार्टी ने भी कार्रवाई की। जहां पर भी अगर ऐसी कोई बात आई तो कांग्रेस के लोग, पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मैं नाम देवी को भूल गए, लेकिन सुन लीजिए जरा, भंवरी देवी को भूल गए राजस्थान की, आप भंवरी देवी वाला मामला, आपकी 5 साल सरकार रही, अगर कांग्रेस के किसी नेता ने गलत काम किया था तो क्यों नहीं आपकी सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा किया और उसको जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाला? ये आपकी गलती है कि मेरी गलती है? मनु शर्मा को भूल गए, महाराज अगर सुन लो पूरी बात को, पहले जवाब दे लोगे, मैंने भी आपको टोका नहीं, आप जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो जरा जवाब भी सुनिए। आपकी सरकार 5 साल वहां रही कि नहीं रही सरकार में? मैडम सिंधिया वहां चीफ मिनिस्टर रही कि नहीं रही? क्यों नहीं 5 साल में? आप आरोप लगाते हो अभी, अगर हम डिबेट में पिछली बार आपने तमाम आरोप हम पर लगाए, बताइए आपने किस कांग्रेस के नेता को अभी तक बंद किया, किस कांग्रेस के नेता के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज किए, किस नेता को आपने जेल के सलाखों में डाला, किसके खिलाफ अदालत में आप केस लेके गए? गृहमंत्री रहे चिन्मयानंद जी, बताइए कुलदीप सेंगर आज जेल की सलाखों में है और आपकी पार्टी का विधायक रहा है, बताइए आज तक आपने सस्पेंड नहीं किया, वो विधायक है आज तक अभी भी? भाई संजय जी, बात अगर करे भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की तो वही उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक आपने विधायक जी को अपनी पार्टी से तो अलग कर देते, आपने चैंपियन को तो आपकी पार्टी के नीचे, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने सेंगर को बर्खास्त कर दिया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके नेताओं को मुझे लगता है सिखा के भेजा जाता है कि आप इन बातों में कही, आपने संजय जी ने बहुत अच्छी बात कह दी कि आपको कुछ नहीं मिलता तो आप जवाहरलाल नेहरू को गाली देना शुरू कर देते हो। जवाहरलाल नेहरू जी को मरे हुए ही 50 साल से अधिक का वक्त अभी तक हो गया, 54-55 साल हो गए, वो अभी भी आपको रात को सपने में आ रहे हैं आप लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि नैतिकता कहती है आप मानिए न मानिए, आपकी सरकार माने न माने, आपके मुख्यमंत्री माने न माने,
आपके प्रदेश अध्यक्ष माने न माने, लेकिन नैतिकता कहती है कि आपने अभी तक विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके खिलाफ आपने देश की जो स्थिति बुरी करने का सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की सरकारें हैं। आ गए सर जोशी जी। अस्पतालों में इलाज करा रहे हो, आप बताओ 6 साल में कहा आपने किया? आप इस डिबेट को ड्रिल मत करो, जवाहरलाल नेहरू पर मत जाओ। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, हमारी इतनी बड़ी हैसियत और औकात नहीं है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो 40 साल से राजनीति कर रहा हो और 20 साल से लगातार आप ही लोगों के साथ बैठ रहा हूं, मैं कभी नरेंद्र मोदी पे सीधे आरोप नहीं लगाता हूं। इतना नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो आरोप लगाने की कांग्रेस की कोई वक्त ही नहीं है जी। हम कभी राजनीतिक गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे ख्याल से जब नेहरू जी डेथ हुई होगी आप पैदा भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी बात, इतनी हल्की बात मत करिए। आप उत्तराखंड के भविष्य हैं। उत्तराखंड में आपको एक पार्टी ने बहुत अच्छी जगह बैठने का मौका दिया है, उस जगह का सदुपयोग करिए और जो जवाब सॉलिड जवाब है तो उसका जवाब दीजिए कि आपने विधायक जी पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे दीजिए। प्रश्न है, अगर वह विधायक है और आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो कुछ समय के लिए आप जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उन्हें क्यों रिसाइड कर देते? क्या पार्टी ने क्या कार्रवाई की? पहले तो आपने उनको क्लीन चिट दे दिया आपके अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री के दबाव के बाद जिस प्रदेश में स्वच्छता की बात होती है, जिस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात होती हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत ईमानदारी की बात करते हो, वहां पे एक विधायक के ऊपर खुल के सामने आकर के महिला द्वारा इतना बड़ा आरोप लगाया गया और आपके प्रदेश अध्यक्ष पहले तो मुकर जाते हैं और उसके बाद आज आके कहते हैं कि उस कार्रवाई की जाएगी, पहले आप क्यों नहीं उसको हटा देते उस आदमी को? संजय जी, मैं आपको पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होगी, किसी का कोई अंडियो फेवर नहीं होगा और अगर विधायक दोषी पाया जाता है तो पूरी तरह से जो दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए एक आम व्यक्ति पे होनी चाहिए उन पर भी होगी। मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं किसी प्रकार का ना कोई किसी का फेवर होगा ना अंडियो उसको कोई लाभ पहुंचाया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ पे भेदभाव वाला कोई विषय ही नहीं। जनता पार्टी के संगठन ने 100 का नोटिस भी जारी किया कि आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, आप बताएं इसमें क्या सत्यता है? संजय जी देखिए, मेरे को प्रथम दृष्टया ये पूरा का पूरा एक ब्लैकमेलिंग का मामला प्रतीत हो रहा है। बाकी आगे जांच का विषय है। अगर सुनिए, जैसा कि उस महिला का बोलना है कि 2 साल से इस तरह का ये सब चल रहा था तो 2 साल तक उसने कोई FIR क्यों नहीं लॉन्च करी या 2 साल तक वो क्यों चुप रही, 2 साल तक उसने ऐसा किसी के संज्ञान में क्यों नहीं लाया? लेकिन संजय जी एक मिनट सुनिए, देखिए जांच चल रही है, आज विधायक के बयान दर्ज हुए हैं और उसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, पुलिस की कार्यवाही में हमको बीच में दखल नहीं देना चाहिए, मेरा तो इतना बोलना है। महिला का स्वार्थ भी मान गए, महिला की ब्लैकमेलिंग भी मान गए, आप जैसा कह रहे हैं सब मान गए। अरे एक राजनीतिक व्यक्ति, जन नेता, जन सरोकारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो इतने लोगों का वोट पाकर के विधायक बना हो, इतनी बड़ी पार्टी का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले कमल के फूल पे चुनाव जीत करके विधायक बना हो, उसका क्या यही कर्तव्य था कि कोई महिला आएगी और उसको लुभाएगी और वह लुभ के वो भी शादीशुदा है, उनकी भी पत्नी है, उनको क्या
उनका अपना चारित्रिक कोई वसूद नहीं था, वो लुढ़क गए, ढुलक गए, उस महिला ने उनको अपने जाल में फंसा और फंस गए, इसका जवाब दीजिए आप। जांच का विषय है, जांच चल रही है और जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो जो कानून सम्मत जो भी सजा के वो हकदार हैं उनको सजा मिलेगी। लेकिन अभी 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 जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है, अभी जांच हो, उससे पहले ना मेरे को कुछ बोलना उचित होगा ना आपको कुछ बोलना उचित। सर आप इतना तो कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी उसको एक नोटिस जारी करेगी कि आप बताओ इतना बड़ा आरोप लगा है पार्टी के ऊपर, आ जा रही है पार्टी के ऊपर उंगली उठ रही है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के आप सदस्य हैं, एमएलए आपने भाजपा के नाम पे जीता है, कमल फूल पे जीता है, तो अगर इतना बड़ा आरोप लगा है तो कम से कम नोटिस तो जारी कर सकते हो सर। संजय जी देखिए ये अनुशासन समिति का मामला है, अनुशासन समिति इसके ऊपर निर्णय लेगी जी। बट जी ये कौन सी अनुशासन समिति है कि जब अपने विधायक की बात आती है तब उसमें कार्रवाई और जांच के बाद निर्णय लेना चाहती है। ये तो संजय भाई वही बात कहीं पे कहीं ना कहीं बोल रही कि संजय भाई कोतवाल तो गर्क आएगा। जोशी जी की बात पे भी माता जोशी जी ने बिल्कुल क्लीन चिट दी थी कांग्रेस को, जबकि हमने तो कई वीडियो देखे हैं जोशी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके बड़े कद्दावर नेताओं के अपने वीडियो देखे हैं जो बिल्कुल वो है न कांग्रेस के नेता और न भाजपा के नेता, क्योंकि बहुत वो है, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों ने महिला को प्रोटेक्शन दे दी क्या, कि जब किसी भाजपा मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट आया कि सबसे पहले महिला की सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके उसके आसपास बिल्कुल पुलिस बकायदा पहरा दे और उसकी सुरक्षा बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि दबाव में जितने भी पहले प्रकरण तो बहुत उठे संजीव जी और जोशी जी, प्रकरण तो इतने उठे उत्तराखंड में पिछले 19 सालों में और बाद में सेटलमेंट भी हुए, वो लड़कियां कहां गायब हो गई ये आज तक भी वो भी नहीं पता चला। तो ये महिला का मामला है सर और मातृशक्ति की बदौलत ही मैं उत्तराखंड मिला है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। तो दोनों पार्टियां जिन लोगों ने पार्टी लाइन से हटके एक आम उत्तराखंडी और एक आम भारतीय के नाते सोच के विचार के आप लोग बात करिए। मथुरा से जोशी जी, मथुरा से जोशी जी आखिर क्या कारण है, मथुरा से जोशी जी आवाज आ रही है, चलिए मथुरा से जोशी जी के पास हम चलेंगे, तब तक हो सकता है कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है। संजीव वर्मा जी चलिए हम मान जाते हैं सब कुछ है, लेकिन एक जो जैसी हमारी पहचान है, जैसे हमारे प्रदेश की पहचान है, जैसे प्रदेशवासी पूरे देश में पहचाने जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब इस तरह के आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगते हैं, और इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति एमएलए बहुत मेहनत करके जीतता है, और जब ऐसी स्थिति आती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी केवल यह कह दे कि जांच के बाद हम देखेंगे, कितना जायज लगता है आपको? संजय देखिए इसमें इस पूरे घटनाक्रम में ये भी हो सकता है कि कांग्रेस राजनीतिक विद्वेष के चलते इस महिला को हवा दे रही हो, इस प्रकरण को हवा दे रही हो, और बहुत से केसेस में मैक्सिमम ये देखा गया है कि अपना एक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह के कुछ लोगों को मोहरा बनाया जाता है, और जब उनका अपना कार्य सिद्धि हो जाती है तो वो जैसा भी माननीय भट्टी ने बोला कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे कांड हुए जहां पे इस तरह की सारी बातें हुई और उसके बाद न जाने जो आरोप लगाने वाले वो कहाँ गए और जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे वो भी आज तक सिद्ध नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी एक तरह से राजनीतिक चाल भी हो सकती है एक दूसरे को बदनाम करने के और पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालने का, मैं सोचता हूँ एक षड्यंत्र हो सकता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि उस वह व्यक्ति कांग्रेसी पृष्ठभूमि का है और कांग्रेसी पृष्ठभूमि का है इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहने लगी है कि अब निष्पक्ष जांच हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं मैंने तो आपको पहले ही बोला वो चाहे कांग्रेस पृष्ठभूमि के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि के हो
वो विषय नहीं है। हमारा मानना है कि जो दोषी है उसकी निष्पक्ष जांच होगी और उसके ऊपर निर्णय भी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लिया जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे उसमें छोटे छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सब कानून सबके लिए एक समान है और कानून सम्मत कार्यवाही होनी चाहिए। तो एक तरफ सरकार लड़ाई लड़ने पे लगी है कोरोना महामारी जैसे दुश्मन से, और बीच बीच में ये जो स्पीड ब्रेकर का काम हो रहा है, तो क्या ये छोटे प्रदेश के लोगों के लिए और इस लड़ाई में, कोरोना से लड़ाई में बाधक नहीं बन रही है ये चीजें? संजय जी देखिए, हम तो अपने काम में पूरी तरह से तन्मयता से लगे हुए हैं। कोरोना काल में हमने इस बड़ी महामारी को इसे पार पाने के लिए हमने भरसक प्रयास किए, भरसक प्रयत्न किए और जो भी बन पड़ा, आज जिस स्थिति में भारत की जनता और भारतवर्ष खड़ा है, मैं सोचता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक जो उनका सर्वमान्यता है, अगर माननीय मोदी जी की जगह, मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि माननीय मोदी जी की जगह अगर कोई अन्य नेता होते, कोई दूसरी पार्टी के, तो आज जिस अनुशासन के साथ हमारे पूरे भारतवर्ष ने, पूरे 130 करोड़ जनता ने उनका साथ दिया और उनके प्रत्येक आह्वान का अक्षरशः पालन करते हुए उनका, उनकी बातों का सम्मान किया और एक तरह से हम उस बीमारी से अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाने में काफी हद तक सार्थक साबित हुए हैं। और आप ये देखिए, अगर लॉकडाउन नहीं हुए होते और जिस तरह से जब जब जो जो भी हमारे बड़े नेताओं ने आह्वान किए, लोगों ने हमेशा उनकी बातों का अक्षरशः पालन किया, अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ होता तो मैं सोचता हूँ आज मरने वालों की संख्या और संक्रमितों की संख्या करोड़ों में या लाखों में होती। हम इसको कितना मिनिमाइज कर पाए, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और जो हमारी सरकारें हैं उनका, देश की जनता का उनके ऊपर पूर्ण भरोसा है, ये इस चीज का द्योतक है। भट्टी के पास पुरुषोत्तम भट्टी एक जाने पहचाने और बड़े फेमस आदमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका बार बार कमेंट आ रहा है कि इस तरह की घटनाओं को बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि उत्तराखंड में विपक्ष कमजोर है। गौरव त्रिपाठी जी का प्रश्न है। नहीं देखिए संजय भाई, ये तो बात बिल्कुल निश्चित है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत लोगों ने उत्तराखंड की जनता ने विश्वास जताया था, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जी पे विश्वास किया था, तो जो पार्टी चाल चले चेहरे की बात करती है, जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ऐसे मामलों में फ्रंट में आना चाहिए, क्योंकि कहने वाली बात यह है कि ये पार्टी वो है जिसका एक पार्ट है आरएसएस, जिसमें कई हजारों लाखों लोग जो है शादी नहीं करते, वो सिर्फ देश सेवा के लिए करते हैं, प्रचारक बनते हैं, तो कई पार्टी में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन चंद लोगों को लेके, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में कांग्रेस की सारी जिनके बुराई करते थे उनको सत्ता रोलुपता ज्यादा बढ़ गई है, और सत्ता रोलुपता के चढ़ते हुए जो आम जनमानस, ये मैं तो महिला, जो हमारी महिला है ये तो एक आम नारी है, और आम नारी के लिए कौन खड़ा होगा, आम नारी नारी के लिए मुख्यमंत्री साहब को जो है फ्रंट माननी चाहिए, उनको सख्त निर्देश देने चाहिए कि जांच इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि आइंदा कोई भी माननीय ऐसी घटना करते हुए 10 बार सोचे। धन्यवाद, धन्यवाद पुरुषोत्तम भट्ट जी, धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद मथुरादास जोशी जी। भारतवर्ष, और भारतवर्ष में उत्तराखंड एक विशिष्ट और अलग पहचान रखता है। जब कभी भी चाहे अच्छे जगह की बात आए, सुंदर जगह की बात आए, अच्छे क्लाइमेट की बात आए, अच्छे लोगों की बात आए, तो उत्तराखंड प्रथम स्थान पर दिखता है, और यहाँ के लोगों ने भी अपने आप को प्रूव भी किया है। आज हर घर से एक व्यक्ति फौज में है, देश की रक्षा में है, और ऐसी स्थिति होने के बाद
जब हमें मान सम्मान के साथ पूरे देश में हम परचम लहरा रहे हो और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। और दुख यह भी होता है कि इन लोगों की वजह से, गलती किसकी है हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से दोनों की गलती है, इसलिए ऐसी बातें सामने आई हैं। और जब ये चीजें आती हैं तो प्रेस का भी मान सम्मान झुकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राजनीतिक व्यक्ति जो जनता से जुड़े हैं वह ऐसी चीजों को नहीं करेंगे जिससे उत्तराखंड का मान सम्मान घटे। धन्यवाद। देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान। ये है जेएमडी न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।